अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं करेले की सब्जी बना रही हूँ। 500 ग्राम करेला, 400 ग्राम प्याज को मैंने कट कर लिया है। करेले को नमक लगा के मैंने अच्छे से वॉश किया, फिर मैंने मसाला रेडी किया और हल्दी, धनिया, मिर्च, जो भी सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ वो, और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। अब मैं करेले को अच्छे से इसमें गोल्डन फ्राई करूँगी, और जब मेरे करेले गोल्डन फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो इसमें मसाले मैंने नमक लिया है, हल्दी, धनिया, मिर्च लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है और आधा चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। करेले मेरे फ्राई हो गए हैं, अब मैंने प्लेट में निकाल लिया, जो तेल बचा है उसी में मैं प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज को हल्का सा ही फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं इसको भी प्लेट में निकाल लूंगी। अब उसके बाद जब मैं प्लेट में ये प्याज निकाल लूंगी तो बाकी का जो तेल है उसी में मैंने हींग, जीरा, राई और सौंफ के साथ इसको छौंका लगा के, जो भी हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक था, मैंने सारे मसाले को एक साथ डाल के इसको अच्छे से भूना, और उसके बाद प्याज और करेले को ऐड करके मैं अच्छे से सब्जी को भूनूंगी। जब सब्जी मेरी अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स होके भून जाएगी, सब्जी मेरा तेल अलग हो जाएगा, तब तक मैं इसको भूनूंगी जब तक तेल अलग ना हो जाए। तो तेल मेरा देखिए सब्जी से बिल्कुल अलग हो गया है, इसका मतलब सब्जी मेरी बन चुकी है। अब मैं इसमें एक नींबू का रस ऐड करूंगी और उसमें एक मिनट के लिए अलटते पलटते मिक्स कर दूंगी, जिससे नींबू पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें लास्ट में एक चम्मच चीनी ऐड करूंगी, जिससे इसका करेले की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। और इस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे तो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, मांग मांग कर खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरी रेसिपी एक बार आप ट्राई करके देखना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।